हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मेरा जो गार्डन है, नीचे जो गार्डन एरिया है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ये जो आधी तूफान आया कुछ दिन आगे, तो उससे पूरा तहस नहस हो गया था। पूरे पेड़ जड़ से उखड़ गए थे, तो हम लोगों ने पूरा पेड़ काटा और सब प्रूनिंग कर दिया है, हेज को भी। तो नया सिरे से फिर पेंटिंग कर, तो सब कुछ मैं आप लोगों को नया अपडेट दिखाऊंगी। हेलो, तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो अपना जो मेन गेट है वहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि अभी जो आधी तूफान से मेरा गार्डन का हाल बहुत बुरा है और सब उखड़ गए, सब हो गए। तो मेरा जो हेज था वो 3-4 फीट का हो गया था, बहुत ही मैंने बहुत ही बुरा हाल था उसका। तो हमने उसको काट के खाली 1 फीट जैसा ही रखा है। तो अभी आएंगे तो ग्रीन होके जब आएंगे ना, बारिश शुरू होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से कि मैंने ये वीडियो करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार थी। और देखिए ऊपर जो मैं दिखा रही हूँ, ये है बोगनविलिया का जो है गया है, उसको मैं नहीं काटा और सब पेड़ तो काट दिए मैंने। तो अभी ऐसे दौड़ना तो मेरा आदत ही है दोस्तों, माफ़ करना। और इधर मैं आप लोगों को थोड़ा आस्ते से मैं दिखाऊंगी। और मोटी हो गई हूँ। अब खाना कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखिए, मैं इधर ना, हम लोगों ने इसको चारों तरफ से इसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारे साथ कुत्ते, आप लोगों को पता है, वो लोग रात में बाहर घूमते चौकीदारी करते हैं, तो वहाँ पे ना सब जो जो हम प्लांट्स लगाते हैं उसी में दौड़ के सब बिगाड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग ने ऐसा किया। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीकू का ट्री था, तो वहाँ बहुत सारे मैंने ब्रांचेस थे, तो बहुत अंधेरा होता था इस साइड में ना, तो कुछ नहीं होता था। तो मैं दिखा रही हूँ, वो एक ही प्लांट रखा है मैंने, एक ही जो बॉटल पाम अभी दिखाया ना, वो रखा है। और इधर मैं बहुत अंधेरा था, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता था। ये ट्रॉपिकल प्लांट्स भी बहुत बुरा हुआ था इसका हाल। और जो मैं काला वो जो देखती हूँ ना, मेरा आदत ही ऐसे, मैं काट के फेंक देती हूँ। तो इधर कुछ मैंने प्लांट्स लगाए थे, उसको पूरा काटा है उधर। और ये जो मैंने गुलमोहर का प्लांट लगाया, उसको भी ऊपर से काटा है। और क्योंकि ब्रांचेस गिर गए थे तूफान की वजह से, तो वहाँ पे मनी प्लांट लगाया है ये मैंने। और इस तरह के इधर प्लांट्स है कुछ, आपको तो पता ही है, पहले भी दिखाया हुआ है मैंने ये सब। तो यहाँ पे मैं अभी दिखा रही हूँ, ये एरो से देवदार का पेड़ था मेरा, बहुत बड़ा लंबा हुआ था, लेकिन देखिए आंधी की वजह से गिर गया, तो उसको भी हमने काट डाला। और यहाँ पे फिर हम लोग गेट पे आ गए, और ये पाम का ट्रीज बहुत लंबे हो गए, और उसके बीज गिर के, पहले भी बताया था मैंने मेरे वीडियो पे, बहुत सारे सैपलिंग्स तैयार होते हैं नीचे, देखिए इतने सारे पाम के सैपलिंग्स। हम लोग ना यहीं से हम लोग तैयार करते प्लास्टिक्स के बैग में, पॉलीथीन के बैग में रखते, या तो छोटे छोटे पॉट्स में रख के, और बाद में बड़े बड़े हो जाते, बड़े नहीं उतना नहीं, जो घर में सजाने के काम आते, बहुत अच्छे पाम बनते हैं मेरे। और ये जो मैं हिला रही हूँ ना, ये है तेज पत्ता का ट्री है, और ये है ये दालचीनी का, तो मुझे बहुत पसंद है इसके सेंट ना। तो अभी छोटा ही है, लेकिन थोड़ा ये वही तूफान की वजह से थोड़ा सा उसके भी ब्रांचेस टूट गए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर थोड़ा जो ट्रॉपिकल प्लांट्स भी मैंने लगाए थे। तो यहाँ पे ये है मुसंडा का जो छोटा सा प्लांट है, उसको मैंने हार्ड प्रूनिंग किए थे विंटर में, तो ये भी आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पे ना आप लोग देख रहे हो, मैं उतना
इस साइड पे मैं उतना नहीं आती हूँ, मैं ज़्यादातर टेरेस गार्डन में ही ध्यान देती हूँ, तीन चार घंटा वहीं रहती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा कम आती हूँ। तो देखिए हम लोग कंपोस्ट यहाँ पे तैयार करते हैं और मैं दिखा रही हूँ कि कैसे ऐसा करके हम लोग वहाँ पे ना ये सड़ा देते हैं सब्जी के छिलके और सब इधर ही डंप कर देते हैं और यहाँ पे सब लोग वो गल कर सड़ कर एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए आँख मार रही हूँ। और यहाँ पे ये बकुल का एक पेड़ है, वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलने वाला खिलना था, लेकिन यहाँ पे अंधेरा होके ना नहीं खिला। तो देखिए मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का हरकतें करना। और यहाँ पे ना लाल लाल वाला एक फ्रूट्स था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, ऐसा आता था, लेकिन सब इधर आना बंद हो गया और खिलना, फूल खिलना बंद हो गया, क्योंकि देवदार का इधर एक पेड़ था, उसके बड़े बड़े ब्रांचेस से बहुत अंधेरा हुआ था और दूसरे भी बहुत सारे पेड़ थे इधर। तो हम लोगों ने अभी इसको भी, इसके ब्रांचेस पूरा ऊपर तक काट डाला। मैं सोची थी इसको काट ही डालूँ, लेकिन जो हेल्पर आया था काटने वाला, उसने बोला ऊपर का रख देते हैं, एकदम ऊपर ना टॉप में उसको रख देते हैं और नीचे वाला ब्रांचेस सब काट देते हैं, तो ताकि नीचे सब उजाला हो। तो अभी देखिए, अभी सब तो मस्त लग गए ना, इधर पूरा पुराना हो गया। इधर हम लोग फिर इसको साफ करके रंग लगाएंगे और फिर नए सिरे से प्लांट करेंगे। और यहाँ पे ये है कैमेलिया फ्लावर्स और दूसरा है गार्डेनिया फ्लावर्स, उसके सामने ये है वाइट फ्लावर्स, बहुत ही अच्छा डबल का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और इसको बहुत हार्ड प्रूनिंग बार बार किया हुआ है इसको भी। तो ये कुछ मैला पत्ता दिखा कि मैं फेंक देती हूँ। और यहाँ पे भी मुझे ध्यान देना था, मैंने नहीं ध्यान दिया, अभी मैं इसमें सब करने वाली हूँ। और देखिए मैंने उधर भी पेड़ पूरा काटा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मेरा पिज्ज़ा का ओवन था, अब मैं बता रही हूँ, अब पिज्ज़ा तो नहीं, हम लोगों ने बारबेक्यू बना दिया इसको तो विंटर में, तो मैं इसको खींच रही हूँ। वो है बोटल ब्रश फ्लावर्स आते हैं उसमें, और यहाँ पे ये जो बोटल ब्रश फ्लावर्स को मैं पकड़ी हुई हूँ, मैंने उसके ट्री को, और ये मैंने जो विंटर में हार्ड प्रूनिंग किया था हाइड्रेंजिया, अभी नए पत्ते निकल आए, खिलने ही वाला है अभी। और कुछ रोज़ भी है उसके सामने। और यहाँ देखिए मेरा सागो प्लांट का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही पुराना है ना ये तो। और यह है टॉर्च लाइट बोगनविलिया, तो ये भी नहीं खिला था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस ने अंधेरा कर रखा था, तो ट्रीज हमने सब काट डाले। और ये लीची का प्लांट इतना बड़ा हो गया है, कुछ साल हो गए, 6-7 साल हो गए शायद, इधर बहुत अंधेरा था इसीलिए। और ये मैं आ रही हूँ अपने रूम से ऊपर से, और इधर मेरा जो सीढ़ी के नीचे ये ब्लीडिंग हार्ट और कुछ बोगनविलियाज है इधर तो। और माफ़ कीजिएगा मेरा कपड़ा दूसरा, अभी क्योंकि मैं एक दिन आगे ये शूट किया था तो ये लगा दिया मैंने, अभी इसके जोड़ दिया। ये है पिंक सिंगोनियम और दूसरा सिंगोनियम, और मनी प्लांट भी है इधर, फिनिक्स पाम भी है उधर। और इसमें ना देखिए बहुत इधर अभी धूप था ना, तो धूप में कैसे दिखता है, तो इधर अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं आता, तो आफ्टरनून में शेड होता है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है ये। और ऊपर टेरेस में बुलाना हो तो इसी तरह से बुलाती हूँ, टेरेस गार्डन है ऊपर मेरा सबसे ऊपर ना, तो इधर सब ब्रांचेस ना बहुत, पेड़ भी टूट गए थे, गिर गए थे, ब्रांचेस भी पूरा टूट गया था, तो तहस नहस हो गए, इधर का सीन बहुत ही बुरा था, तो सब काट के अभी एकदम खुला हो गया। तो हेज भी पूरा देखिए 1 फीट ही रखा है अभी, तो अच्छी तरह से आएंगे शायद अभी ना प्लांट्स। तो ये तो आप लोगों को पता ही, मेरा पुराना ही है ये, बहुत ही बड़ा हुआ है ट्राई कलर, जिसका मुझे बहुत ही गर्व है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको बार बार दिखाना।
तो ये मेरा गार्डन एरिया है, इसमें एक शेड है, शेड के अंदर ये है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से इधर हुआ है। और ये है मधुमालती, मुझे बहुत ही पसंद है ये प्लांट ना। इसको बोल रहे थे वो जो हेल्पर काटने वाला, इसको भी काट डालो, तो मैंने नहीं काटा इसको, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। और इसको जब सब खिलता है ना, बहुत ही अच्छा शो आता है इससे। तो मुझे इसके साथ खेलना, इसके साथ फ़ोटो लेना बहुत पसंद है। और ये है मेरा जो बचा कुचा अभी जो रिमेनिंग दियांथस है, ये है कुछ है गार्डन एरिया में, ये छत में भी है, अभी टेरेस गार्डन में भी है। और मैं ना अभी पेंटिंग करा रही हूँ ना, ये जो वो यही आदमी है जिसने सब उन्होंने पेड़ काटा है सब, और ये पेंटिंग भी जानता है, तो उनसे मैं ये भी काम ले रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ, बीच बीच में लाल कलर का लगा देना तो मैं इसमें सब अभी नहीं हुआ है, अभी ये वॉल में भी लगाना है कलर वाइट, और सब ये स्टैंड्स में भी लगाना है, बहुत सारा काम बाकी है। तो मैं ये सब अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और यहाँ पे ये वाइट कलर का स्टैंड खाली पड़ा है, अभी ये है चाइनीज़ क्रोटन और ये का लाल कलर, तो मैं उनको हिदायत दे रही हूँ कि ये करो वो करो, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कलर करना। और इधर ये है कामिनी फ्लावर है, ये बहुत अच्छी तरह से। और ये है यहीं से मैंने ये बहुत ही पुराना है मेरा स्नेक प्लांट्स ना, यहाँ से बहुत सारे मैंने निकाल निकाल के ऊपर छत में जमा किया है, उधर लगा है जो मेरे प्लांटर्स में, यहीं से लिया है। ये बहुत ही पुराना है, बहुत साल हो गया यहीं पे है, यहाँ बहुत जंगल था, अभी सब निकाला ना तो ये निकल आया अभी। तो ये है अगाव, बहुत बड़ा हो गया है और इसने बहुत सारे बच्चे दिए, बहुत हो रहा है अभी। और ये तो आप लोगों को पता ही है ड्वार्फ स्नेक प्लांट है, और बहुत ज़्यादा है। और ये अभी हम लोग छत में आ गए, मेरे टेरेस गार्डन है ये, तो यहाँ पे देखिए स्नेक प्लांट्स जो नीचे दिखाया ना वहीं से। और ये पोटुला का मैं, और पोटुला का और ये क्रिसमस कैक्टस का मैं प्रोपोगेशन किया है, और पोटुला का भी अभी इसका पोटुला का सीजन आ रहा है ना, फ्लावर्स होने लगे, तो मैं सबको इधर कटिंग्स लगा रही हूँ, प्रोपागेट कर रही हूँ। और ये बहुत ही इजी है इसका जो प्रोपागेशन ना, बहुत इजी इजीली होता है, बस इसको मिट्टी चाहिए, ये जड़ अपने आप आ जाता है और खिलता भी बहुत है। और मेरे पास बहुत वैरायटीज़ के कलर्स में है, और ऐसे कटिंग्स लगाई हूँ मैं इस पार्ट में, यहाँ पे ये जो इस कॉर्नर में मैंने सब जो कटिंग्स है तो बता रही हूँ, ये सब है, और इधर भी है, लेकिन मैं सिर्फ यही दिखा रही हूँ। और स्नेक प्लांट से ही नीचे से ही लाकर मैंने पॉट्स में लगा के बहुत अच्छे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए हाइड्रेंजिया का ये मैंने बनाया है, जो प्रोपोगेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और बड़े बड़े फ्लावर्स ऑलरेडी फूल रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, ब्लू कलर के ना हाइड्रेंजिया, पिंक कलर के बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो। और सिर्फ अभी मैं ये जो कटिंग्स जो लगाए थे वही दिखा रही हूँ, वो अभी आ गए। और कुछ इधर ट्राई कलर का जो रूट डिविज़न करके मैंने इधर लगाए हैं, तो शायद अच्छे होंगे। और मैं कुछ मजाक करती रहती हूँ इस तरह से, हाथ में मट्टी लगी थी दिखा रही हूँ। और ये क्रिसमस कैक्टस है, बहुत अच्छी तरह से जड़ आ गए, और ये मैंने एक सप्ताह आगे मैंने कटिंग्स लगाए थे पोटुला का के, अभी आ रहे फूल भी खिलने लगे हैं, बहुत ही सुंदर होती है ना ये फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत कलर्स के है मेरे पास। तो दोस्तों अब मैं मेरा वीडियो एंड करने जा रही हूँ, तो जल्दी ही दूसरा वीडियो लेके आऊँगी।
तब तक के लिए विदा चाहूंगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।